दुआ किया आपने मेरे लिए? माओ तुम्हारे, मेरी तो हर सांस में तुम्हारे लिए दुआ निकलती है। अम्मी, मैं कुछ सोच रही थी कि अगर आज बाबा होते तो उन्होंने घर कैसे सर पर उठाया हुआ होता ना। सोम्या सब कुछ बैग में रख लिया है। सोम्या कुछ भूल तो नहीं गई हो? सोम्या पेपर के लिए कहीं लेट ना हो जाए? सोम्या रोल नंबर की स्लिप रख ली है? बाबा को आज मेरी कोई फिक्र नहीं है। बेटा जी कैसे नहीं है, उनकी दुआएं तो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेंगी। कभी ऐसे मत सोचना। अच्छा मुझे बताओ तुम जाओगी कैसे? नुमान को पता है? वो तो चले गए, मैं बस से चली जाऊंगी। वो कहाँ सुबह सवेरे निकल गया है। चलो मैं तुम्हें गेट तक तो छोड़ूंगा। बस मेरी बात अम्मी, बस दुआ कीजिएगा कि पेपर अच्छे से हो जाए। राहिला दुआ करना। तुम इतनी मेहनत करती हो, जरूर कामयाब होगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुमने नुमान को बताया नहीं था कि इसका आज पेपर है? घर में इतनी टेंशन बनी हुई थी, मेरे जहन में नहीं रहा। जाने कहाँ सुबह सवेरे चला गया, मुझे मिला भी नहीं है। आपकी आंख लग गई थी ना, तो कहने लगे कि हातिम के साथ नाश्ता करेंगे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हातिम से इतनी हमदर्दी क्यों पैदा हो रही है। सोमी, तुम नुमान के साथ नहीं आई? नहीं। तुम मुझे बता दी थी मैं ले आता तुम्हें। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें इन हालात में फोन करना चाहिए? यार मैं तुमसे कल से रابطہ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? हातिम, मेरा एग्जाम है, मुझे जाना है। सोमिया मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए यार। मैं तुम्हें ये कह रही हूँ मेरा एग्जाम है, मैं लेट हो रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें जाना है ना तुम जाओ, लेकिन तुम्हारे पेपर के बाद मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा बाहर, लेकिन जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आइए। वालेकुम अस्सलाम। सास कहाँ है तुम्हारी? वो तबीयत ठीक नहीं है उनकी, वो इसलिए अंदर लेटी हुई है। आप बैठे, मुझे आपसे जरूरी बात भी करनी है। सास और नंद की हिमायत मत करना मेरे सामने। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे माजरत करनी थी। वो हातिम से मैंने बदतमीजी की थी ना, उसके लिए। समझती हूँ मैं तुम्हारी मजबूरी। सोम्या कहाँ है? सोम्या तो पेपर देने के लिए गई है ना। कौन छोड़ने गया उसे? नुमान तो आपकी तरफ थे, इसलिए वो वहीं से ऑफिस चले गए, और उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज उसका पेपर है, इसलिए वो बस से गई है। बस पे क्यों जाएगी? जिसने उसे छोड़ने जाना था वो सारी रात बेचैन रहा है उसके लिए।